Hello guys, in this video we are going to see what is FRC. So FRC का full form होता है fiber reinforced concrete. तो जैसा कि आप picture में देख सकते हैं, इस concrete में fiber है. तो basically मैं बात करूँगा कि कैसे-कैसे ये fiber क्या-क्या फायदे पहुँचा था इस concrete को, कौन-कौन से fiber के types हैं, means हम कौन-कौन से fiber use कर सकते हैं, कैसे properties को enhance करता है concrete की, क्या क्या फाइबर की प्रॉपर्टीज होती हैं, कहाँ कहाँ पे इन एफ आर सी का एप्लीकेशन है, मीन्स हम कहाँ कहाँ पे ये वाला कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं. सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माई यूट्यूब चैनल. सो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जिन जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ द अपडेट्स फ्रॉम माई चैनल. तो मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, कंसेप्चुअल बनाऊंगा सारी की सारी, अभी इनिशियली फोकस कर रहा हूँ. साइड बाय साइड मैं दूसरी प्लेलिस्ट में भी काम कर रहा हूँ जिसमें कि मैं एस्टिमेशन ऑफ अर्थवर्क सिखा रहा हूँ. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट? सो बेसिकली फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इज़ अ कंपोजिट मटेरियल, जिसमें कि हम कंपोजिट मटेरियल मतलब दो या दो से ज़्यादा मटेरियल हम यूज़ करते हैं तो उसे कंपोजिट मटेरियल कह देते हैं. तो बेसिकली हम लोग इसमें सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट जो भी बनाते हैं उसमें हम फाइबर को ऐड कर देते हैं. तो फाइबर प्लस सीमेंट मोर्टार और कंक्रीट, इनका जो मिक्सचर होता है इसको हम फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कहते हैं. तो बेसिकली जो हम फाइबर्स ऐड करते हैं इस कंक्रीट में वो स्टील के होते हैं, ग्लास फाइबर्स के भी होते हैं एंड सिंथेटिक फाइबर्स के भी होते हैं, और नेचुरल फाइबर्स भी हो सकते हैं. वो बहुत ही कम चांसेस है जो हम नेचुरल फाइबर्स यूज़ करते हैं बिकॉज वो बहुत ही वीक होते हैं. सो ये अलग अलग तरीके से इस कंक्रीट को प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ को एनहांस करते हैं. सो हम लोग देखेंगे कैसे ये फाइबर्स कंक्रीट की प्रॉपर्टी को कैसे कैसे एनहांस करते हैं, कैसे कैसे मींस इसको सुपीरियर बनाते हैं. सो बेसिकली जो हमारा फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट है तो जो हम इसमें फाइबर ऐड करते हैं उसकी रेंज होती है 0.1 से 3% तक. तो बेसिकली हम इस ऑप्टिमम रेंज में फाइबर्स को यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अगर हम इससे कम करेंगे तो हमारी जो इंटेंडेड स्ट्रेंथ है वो नहीं आती है, अगर हम इससे ज़्यादा करेंगे तो भी हमारी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है. तो ये जो रेंज आई है ये हमारी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर आई है, 0.1 to 3% होता है नॉर्मल रेंज में. हो सकता है कि किसी किसी ग्लास फाइबर में हम 1 to 2% एक्स्ट्रा इंक्रीज कर लें, वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का ग्लास फाइबर यूज़ कर रहे हैं. बट बेसिकली इफ़ यू सी इट शुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड, अलग अलग फाइबर्स के लिए अलग अलग रेंज हो सकती है. तो हमें ध्यान में रखना है कि हम उसी रेंज में यूज़ करें, 3%, 4%, 5%, 6%, दैट्स इट. ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होती है, इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करती है. सो बेसिकली हमारे स्टील फाइबर, ग्लास फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स इसमें यूज़ होते हैं जो कि अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देते हैं कंक्रीट को. तो बेसिकली जो हम फाइबर यूज़ करते हैं उसका एक एस्पेक्ट रेशियो होता है, मींस उसकी एक यूनिट होती है जिसका नाम, जिसको हम कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो. सो एस्पेक्ट रेशियो इज रेशियो ऑफ फाइबर लेंथ टू इट्स डायमीटर. तो फाइबर लेंथ और डायमीटर का रेशियो होता है एस्पेक्ट रेशियो. तो हमें उसी रेशियो में हमारा जो रेशियो होता है, मींस अगर हम स्टील फाइबर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी डिफाइन होगा कि हमारा एस्पेक्ट रेशियो उन फाइबर्स का कितना होना चाहिए. ग्लास फाइबर यूज़ कर रहे हैं हमें पता होगा उसका एस्पेक्ट रेशियो कितना होना चाहिए. तो बेसिकली हमें देखना है कि फाइबर्स की लेंथ और डायामीटर उसी रेशियो में आए, क्योंकि ऐसा देखा गया है या अगर आप यूज़ करके भी देखोगे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर देखा गया है कि जो अगर जब अगर फाइबर्स अगर ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, लाइक उनकी लेंथ ज़्यादा होती है, तो क्या होता है जब हम कंक्रीट को मिक्स करते हैं, सीमेंट ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, फाइबर्स ऐड करते हैं, सैंड ऐड करते हैं, तो क्या होता है जब हम उन्हें मिक्सिंग कर रहे होते हैं उनकी, तो वर्केबिलिटी में प्रॉब्लम आती है. क्यों आती है? क्योंकि वो जो फाइबर्स होते हैं अगर ज़्यादा बड़े हो गए उनकी लेंथ तो उलझने लगते हैं वो. तो इससे क्या होता है मिक्सिंग में हमें प्रॉब्लम आती है, चाहे वो मशीन से करो आप चाहे वो मैनुअली करो आप. तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि एस्पेक्ट रेशियो जो है वो मेंटेन रहे फाइबर का. और अगर हमारी फाइबर की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है, लाइक इन केस ऑफ स्टील फाइबर्स, तो
क्या होगा, उससे हमारी कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा कि जो कंक्रीट होता है आपको मालूम है कि वो कंप्रेशन में ज़्यादा स्ट्रांग होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी वीक होती है बहुत। टेंसाइल फोर्सेस आ गए तो वो बियर नहीं कर पाता। तो बेसिकली अगर हमारा स्टील फाइबर्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑब्वियसली बात है उसकी कंक्रीट से ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेगा, हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को इंक्रीज कर देगा। सो स्टील फाइबर्स हम स्टार्ट करते हैं, पहला टाइप है स्टील फाइबर का। सो बेसिकली कोई सा भी फाइबर हो, स्टील फाइबर स्पेशली अगर आप देखोगे, इसका बेसिकली फंक्शन होता है कि क्रैकिंग को कंट्रोल करना। तो अगर हमारी क्रैकिंग कंट्रोल हो गई तो हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं कंक्रीट की वो सॉल्व हो जाती हैं। कैसे, अगर आप लोगों ने देखा होगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कंक्रीट में क्रैक्स आ गए, तो कंक्रीट में अगर क्रैक्स आ गए तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आएगी, उसमें मॉइस्चर एंटर कर जाएगा। जो कोस्टल एरियाज़ के पास बिल्डिंग है यहाँ पर, और या जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ के स्ट्रक्चर्स की हाल तो बेहाल हो जाएगा। तो फिर हमें फ़ायदा ये मिलता है इन कंक्रीट से, सबसे पहले ये क्रैक्स को कंट्रोल करते हैं। तो क्रैक्स के कंट्रोल होने से तो हमारा क्या होता है, मॉइस्चर को रेजिस्ट करता है हमारा स्ट्रक्चर। क्रैक्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है मॉइस्चर एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा, आई वुड से दैट दिस इज़ वन ऑफ द प्राइम फंक्शन ऑफ दीज फाइबर्स, एंड इन दोज थ्री दीज फाइबर्स इट इज़ स्टील फाइबर विच इज़ वेरी इफेक्टिव इन दिस प्रॉपर्टी। सो सेकेंड जो चीज़ है, ये जो कंक्रीट होता है इसकी टफनेस और टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज कर देता है। तो हमें देखना चाहिए कि जो हम फाइबर्स ऐड कर रहे हैं वो ऑप्टिमम क्वांटिटी में ही ऐड करें, मींस क्लोजली स्पेस्ड रहें फाइबर्स, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो, भाई पता ही नहीं है हमारा, कोई वो बॉन्ड ही नहीं बन रहा। अगर तो हमारे बहुत ज़्यादा पास पास होंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आप, लाइक आपने देखा होगा किसी कपड़े में अगर आप किसी चीज़ को रखकर तोड़ते हो तो क्या होता है, वो इतनी जल्दी टूटती नहीं अगर उसके अंदर कपड़ा होगा, या तो आप देखोगे कि वो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगी। तो वही चीज़ हमारी इसमें है, तो इससे हमारी टफनेस बढ़ती है, टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती हैं कंक्रीट की। तो बेसिकली स्टील फाइबर्स में अगर आप देखोगे तो जो हमारा एस्पेक्ट रेशियो होता है वो 2200 रहना चाहिए, मींस जो हमारी लेंथ और डायमीटर का रेशियो होना चाहिए वो 2200 के बीच में ही रहना चाहिए, यह हमारी ऑप्टिमम रेंज है फॉर स्टील फाइबर्स। एंड जो हमारे डायमीटर है स्टील फाइबर्स का, वो रेंज करना चाहिए 0.25 mm टू 0.75 mm। तो इससे क्या होता है, स्टील फाइबर से हमारी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बढ़ जाती है, या जो भी हमारा स्ट्रक्चर है कंक्रीट का उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एनहेंस हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली स्टील फाइबर्स का हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, प्रीकास्ट कंक्रीट में बहुत यूज़ होता है इसका भाई। प्रीकास्ट कंक्रीट में इसलिए भी यूज़ होता है क्योंकि सारी कंट्रोल्ड कंडीशंस में प्रीकास्ट कंक्रीट हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उससे क्या होता है जो हमारी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो एग्जैक्टली हमें मिल जाती हैं करीब करीब। तो बेसिकली ये हमारा प्रीकास्ट कंक्रीट में यूज़ होता है, हमारे हाईवेज़ और एयरपोर्ट पेवमेंट्स में यूज़ होता है जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि डायरेक्ट प्लेन लैंड करते हैं तो हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पर यूज़ हो सकता है ये। ब्रिज डेक्स में यूज़ होता है ये, जो हमारे ब्रिजेस होते हैं उनके जो डेक्स होते हैं या स्लैब होती है वहाँ पर हमारा यूज़ होता है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, इसलिए ये वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं आपको बताऊँगा आगे चलकर इसकी एप्लीकेशन ब्रिज में किस तरीके से ये एनहांस करता है प्रॉपर्टी को, आप देखते रहिए। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ग्लास फाइबर्स की। तो जो बेसिकली ग्लास फाइबर्स होते हैं ये हम लोग ऐड करते हैं अराउंड 5% तक ऐड कर सकते हैं, बेसिकली 0.123% ही इसका ऑप्टिमम रेंज होती है, बट हम अप टू 5% तक जा सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों जा सकते हैं, हम इसलिए जा सकते हैं क्योंकि ग्लास फाइबर की लिमिटेशन होती है। इसका क्या होता है कि ये डैमेज हो जाता है, क्यों हो जाता है, जब हम लोग एग्रीगेट और सीमेंट फाइबर ग्लास फाइबर मिक्स कर रहे होते हैं तो एग्रीगेट के एब्रेजन और इम्पैक्ट फोर्सेस की वजह से इसके डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड कंडीशंस में इसे ऐड करना पड़ता है, स्पेशली ग्लास फाइबर्स को, सो दैट इसका कोई लॉस ना हो और ये अपनी प्रॉपर्टीज हमें दे पाए। सो बेसिकली जो हम ग्लास फाइबर्स यूज़ करते हैं
वो हमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं अगर वो डैमेज ना हो, एंड विच रेंजेस फ्रॉम 1020 to 4080 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। बेसिकली इन फाइबर्स की लेंथ होती है 10 mm to 15 mm, एंड जो ये हमें प्रॉपर्टीज देते हैं ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इम्प्रूव करते हैं स्ट्रक्चर की, जिससे कि हमारा बेंडिंग में जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से रेजिस्ट कर पाता है बेंडिंग को, मोमेंट अच्छे से रेजिस्ट कर पाता है, एंड डक्टाइल हो जाता है हमारा स्ट्रक्चर, काफ़ी अच्छी डक्टिलिटी आ जाती है जिसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल भी हो जाता है। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज इट इज़ रेजिस्टेंट टू थर्मल शॉक्स ऑल्सो। आई थिंक दैट यू मस्ट बी नोइंग वॉट इज थर्मल शॉक, सो इफ यू डोंट नो आई वुड टेल यू दैट थर्मल शॉक इज़ द मेटीरियल एबिलिटी टू विदस्टैंड रैपिड चेंजेस इन टेम्परेचर। सो अगर हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है ड्यू टू हॉट एंड कोल्ड वेदर, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये हमारा थर्मल शॉक्स को रेजिस्ट करता है जिससे क्रैक्स आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारा ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, ये बेसिकली ऐसी जगह पर यूज़ होता है जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की हमें ज़रूरत नहीं है, लाइक सीवर लाइनिंग हो गई, टनल्स की लाइनिंग हो गई, डक्ट्स हो गए, रूफ हो गए, हमारा रेनोवेशन वर्क्स में यूज़ हो जाएगा, जहाँ पर हमारी बिल्डिंग्स की लाइक हम रेनोवेशन करवा रहे हैं वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, एकाउस्टिक बैरियर्स एंड स्क्रीन्स में यूज़ कर सकते हैं। एकाउस्टिक बैरियर्स आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ, एकाउस्टिक बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जो साउंड इंसुलेटर्स होते हैं, मीन्स अगर बहुत ज़्यादा कहीं पे साउंड है तो आप इस कंक्रीट को यूज़ करोगे विद ग्लास फाइबर्स तो आपकी साउंड रिड्यूस हो जाएगी, तो ये हमारे उसके बैरियर की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो थर्ड होता है वो हमारा होता है सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स मैन मेड फाइबर्स होते हैं जो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं फैक्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, एंड दीज आर डिराइव फ्रॉम पॉलीमर बेस्ड मटेरियल्स लाइक नाइलॉन हो गया आपका, पॉलीथाइलीन हो गया। ठीक है, और ये लोग हम ये वाले फाइबर्स भी हम लोग उसी तरीके से ऐड करते हैं लाइक ड्यूरिंग मिक्सिंग, या बिफोर भी हम ऐड कर सकते हैं, सीमेंट डाला, फाइबर डाल दिया, या मिक्सिंग पूरा करके हम लोग फाइबर को उसी वे में ऐड कर देते हैं। तो ये सिंथेटिक फाइबर्स थोड़े हमारे स्पेशल फाइबर्स होते हैं। क्यों स्पेशल फाइबर्स होते हैं, थोड़े स्पेशल मटेरियल से डिराइव होते हैं, क्योंकि जो हमारा कंक्रीट का एनवायरनमेंट होता है जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो क्या होता है वह जो हमारा कंक्रीट का नेचर होता है वो एल्कलाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है ये हमारी एल्कलाइन नेचर को लाइक टॉलरेट करना आना चाहिए, अदरवाइज इसका कोई यूज़ नहीं होगा और ये ख़राब हो जाएगा, वहाँ पर जाकर इसकी प्रॉपर्टी सारी ख़राब हो जाएंगी। तो ठीक है, ये हमारा इट शुड विदस्टैंड लॉन्ग टर्म एल्कलाइन एनवायरनमेंट ऑफ कंक्रीट, क्योंकि एल्कलिनिटी हमारी बनी रहती है लाइफ टाइम ऑफ कंक्रीट की, हो आई एग्री कि वो रिड्यूस हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट इनिशियली ज़्यादा रहती है, तो हमारा इनिशियली तो ये रेजिस्ट करना ही चाहिए एल्कलाइन एनवायरनमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी, वो है हाई केमिकल रेजिस्टेंस। तो केमिकल रेजिस्टेंस मींस अगर हम कंक्रीट बना रहे हैं, सीमेंट ऐड कर रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी बहुत सारी, तो वो क्या करेंगी सिंथेटिक फाइबर्स को ख़राब कर सकती हैं या उसकी प्रॉपर्टीज़ को रिड्यूस कर सकती हैं, तो ये हमारा उसके भी रेजिस्टेंट होना चाहिए, केमिकल रेजिस्टेंट होना चाहिए। एंड इफ़ यू सी दीज फाइबर्स आर लो, दीज फाइबर्स पजेस लो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड ये उतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट को प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं लाइक स्टील फाइबर्स। ओके, बिकॉज ये हमारे बहुत लाइक नायलॉन के फाइबर्स होते हैं, नॉट स्टील फाइबर्स, स्टील के फाइबर्स होते हैं, दे एक्ट लाइक रीइन्फोर्समेंट काइंड ऑफ आई वुड से। सो ये हमारे बहुत ही ज़्यादा अबंडेंटली अवेलेबल होते हैं, इसलिए चीप होते हैं और हम इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। हम इसे ऐसी जगह यूज़ करते हैं बेसिकली जहाँ पर बेसिकली आप लोग देखोगे जहाँ पर हमें लाइट वेट कंक्रीट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लाइक इन केस ऑफ क्लैडिंग पैनल्स और शॉर्ट क्रीट। क्लैडिंग पैनल्स आई होप आप लोगों को पता होगा क्या होता है, क्लैडिंग पैनल्स वो पैनल्स होते हैं लाइक अगर आपने देखा होगा कोई भी मॉल है या एयरपोर्ट है या कोई भी आपकी एस्थेटिकली ब्यूटीफुल एस्थेटिक अपीयरेंस जिस बिल्डिंग को आपने देना है, लाइक इफ इट इज़ ब्यूटीफुल बिल्डिंग एंड
there you have to provide cladding panels. So the panel should be lightweight in nature, otherwise it would increase the dead load of the structure. So kya hota hai hamara cladding panels ko lightweight hona chahiye ye wala. To basically मैं आपको बता रहा था, हाँ क्लैडिंग पैनल्स क्या होते हैं. क्लैडिंग पैनल्स वो होते हैं लाइक, अगर आपने देखा होगा किसी बिल्डिंग के बाहर एक, अगर आप देखोगे एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर टाइप दिख रहा होता है आपको, मतलब एक रेक्टेंगल बॉक्स सा दिख रहा होता है, बड़ा सा कंक्रीट का होता है, उसमें होल होते हैं फॉर डिज़ाइनिंग पर्पज के लिए होते हैं वो लोग. तो उससे क्या होता है ब्यूटीफुल दिखती है बिल्डिंग हमारी. या प्लास्टिक की क्लैडिंग्स भी बहुत आती हैं आजकल जो मॉल्स में एयरपोर्ट्स में लग जाती हैं जाकर. तो बेसिकली वो हमारा यही करती हैं कि साउंड इंसुलेशन देती हैं या ब्यूटीफुल बनाती हैं स्ट्रक्चर को. तो एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हम फाइबर्स यूज़ करते हैं इसमें सिंथेटिक फाइबर्स में, एक रिसर्च हुई है जिसमें अगर हम हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में ये वाले फाइबर्स यूज़ करते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट मतलब जो कि सुपीरियर इन क्वालिटी होता है इन कंपेरिजन टू ट्रेडिशनल कंक्रीट, तो उसमें ये रिसर्च में देखा गया है जो कि जो रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग होता है वो 500 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है लाइक इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल कंक्रीट. एंड जो हमारा वेट ऑफ द कंक्रीट होता है वो 40% लाइटर हो जाता है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल कंक्रीट. सो सी द ग्रेविटी ऑफ दिस फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, हाउ हेल्पफुल इट कुड बी इन रिड्यूसिंग द डेड लोड एंड हाउ हेल्पफुल इट कुड बी इन एनहांसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट. 500 टाइम्स रेजिस्टेंट टू क्रैकिंग, देख सकते हैं आप कितना अच्छी प्रॉपर्टीज मिलेगी कंक्रीट को, कोई भी क्रैक नहीं है, कभी मॉइस्चर नहीं जाएगा, कभी करोजन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. सेकंड रिसर्च हुई थी उसमें ये बताया गया था कि ये जो फाइबर हाई परफॉर्मेंस फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट जो होता है ये स्ट्रेन हार्डनिंग रेंज में बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है. लाइक आपने देखा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कंक्रीट का स्ट्रेन हार्डनिंग स्टेज एक आती है, स्टील में भी आती है. तो वहाँ पर उसके बाद क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग स्टेज के बाद कंक्रीट या जो भी मटेरियल है वो फेल हो जाता है, ठीक है. तो वहाँ पर ये काफ़ी देर तक उस स्टेज में बने रहते हैं, मीन्स टॉलरेट करते हैं उस स्टेज को, वहाँ पर स्ट्रेसेस और स्ट्रेन को टॉलरेट कर सकते हैं. तो जिससे क्या होता है, जिससे कि मटीरियल की डक्टिलिटी 2 times बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल कंक्रीट. एंड डक्टिलिटी बढ़ गई तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा हमारा कंप्रेशन फेलियर या सडन फेलियर होने से रुक जाएगा, क्योंकि कंप्रेशन फेलियर जो होता है वो बहुत ही ब्रिटल होता है. और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, टेंसाइल फेलियर होगा, टेंसाइल फेलियर उतना सडन नहीं होता, तो इससे बहुत सारे लॉसेस बच जाएंगे, प्रॉपर्टी लॉस, ह्यूमन लाइफ्स बच सकती हैं अगर इन केस बिल्डिंग फेल हो जाए तो. सो फ्लेक्सिबल कंक्रीट होगा तो वो हमारा ये काम कर देगा कि वो डिक्रीज कर देगा ब्रिटल नेचर को कंक्रीट में. सो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ये फाइबर्स क्यों यूज़ होते हैं. तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि डक्टिलिटी इंक्रीज होती है, क्रैक्स रिड्यूस होते हैं, डक्टिलिटी इंक्रीज होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी उसकी वजह से. सेकेंड पॉइंट जो है, अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा आती है, तो उसकी वजह से श्रिंकेज क्रैक्स की वजह से और हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं. तो बेसिकली उसको रिड्यूस करते हैं ये लोग, क्रैक्स को रिड्यूस करते हैं, इम्परमीएबल बनाते हैं कंक्रीट को. इम्परमीएबल बनाएंगे तो करोशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिससे कि लाइफ स्पैन ऑफ द स्ट्रक्चर हमारा बढ़ जाता है, ठीक है. एक और फ़ायदा होता है फाइबर यूज़ करने का, मान लीजिए अगर आप रीइंफोर्समेंट यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ फाइबर्स यूज़ कर रहे हैं, कहीं कहीं जगह जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है रीइंफोर्समेंट की, वहाँ पर आप फाइबर्स यूज़ कर रहे हो तो क्या होता है, लाइट वेट हो जाता है स्ट्रक्चर. बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ लाइक पार्टीशन वॉल्स हो गई आपकी, वहाँ पर आप चाहो तो प्री कास्ट स्ट्रक्चर्स एज अ पार्टीशन वॉल यूज़ कर सकते हो, उससे क्या होगा आपका डेड लोड ऑफ द बिल्डिंग रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है. तो फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई हमारा एप्लीकेशन क्या हो गई, प्रॉपर्टी क्या हो गई, इम्पैक्ट लोड को रेजिस्ट करते हैं. मैंने आपको बोला था मैं आपको समझाऊंगा इम्पैक्ट लोड को कैसे रेजिस्ट करते हैं. तो अगर आप ब्रिज पर अगर आप कभी मूव किया होगा आपने, तो वहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स पास करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं ब्रिज पर, इम्पैक्ट लोड्स आते हैं, शॉक लोड्स आते हैं, एकदम से धूम धड़ाम करके सारी गाड़ियाँ आगे निकल जाती हैं. तो उसकी वजह से आप कभी खड़े होगे ब्रिज पर तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहे हैं जब भी कोई ट्रक पीछे से पास करेगा,
तो उसकी वजह से क्या होता है, क्रैक्स आने के चांसेस रहते हैं, फैटीग आने के चांसेस रहते हैं, क्रीप आने के चांसेस रहते हैं। तो हमारा इससे फ़ायदा क्या होता है, ये उसे रेजिस्टेंट बनाता है, फाइबर्स क्यों बनाता है, ये उसे फ्लेक्सिबल कर देता है, जो हमारे उसके बाद इम्पैक्ट लोड आता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा ब्रिज का डेक, ठीक है। सो लास्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं वो है कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट इंक्रीज कर देता है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट मीन्स ओवरऑल प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट, सारी प्रॉपर्टीज को एनहांस कर देता है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो इससे हमारे हमको सुपीरियर क्वालिटी कंक्रीट मिल जाता है। तो आई होप आप लोगों को सारे थिंग्स क्लियर हो गए होंगे, व्हाट इज फाइबर रिइंफोर्स कंक्रीट, कैसे कैसे क्रैक्स कम हो जाते हैं, मॉइस्चर कम हो जाता है, पर इम्परमिएबल बना देता है कंक्रीट को, लाइफ स्पैन ऑफ द स्ट्रक्चर बढ़ जाता है। तो आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए क्या समझ नहीं आया। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू, आई विल सी वॉट यू हैव आस्क्ड एंड आई विल आंसर इट एज सून एज पॉसिबल, ओके। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, इसे उनको भी पता चले फाइबर रिइंफोर्स कंक्रीट क्या होता है, कैसे कैसे इसके एप्लीकेशंस हैं। अगर वो साइट इंजीनियर्स हैं तो बहुत हेल्पफुल होगा उनके लिए भी, वो यूज़ कर सकते हैं, अपने मैनेजर को बता सकते हैं, वो खुश होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई नई टेक्निक लेकर बताओगे या फिर कुछ उनको सजेशन दोगे जो उन्हें अच्छा लग जाए, तो आपके ऊपर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी जो क्या कहते हैं गुडविल है वो अच्छी हो जाएगी। तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, एंड अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, एंड आई होप आप इस चैनल को ज़रूर इन्जॉय कर रहे होगे एंड इन फ्यूचर भी करते रहोगे। तो आई विल क्लोज दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर टॉपिक, एंड आई विल कम अप विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो बने रहिए चैनल के साथ, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एवरीवन।